हेलो एंड गुड इवनिंग मेरे टू फैमिली। तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं और मैं फ़िलहाल अभी अपने फार्म हाउस पे हूँ। और ये देखिए मेरे फार्म हाउस का हालत खस्ता हो चुका है, आपको दिखा रहे हैं कुछ। ये देखिए हमारा जो कल है वो इतना भी टेम्परेचर 42 डिग्री है, इसलिए अभी बारिश भी नहीं हो रही है। बारिश ना होने के कारण अभी कल का वाटर लेवल, मतलब धरती का वाटर लेवल नीचे चला गया, इसीलिए पानी ये पकड़ नहीं रहा है। तो इसको हम छोड़ दिए हैं अभी, तो जब पानी होगा तो अभी देखेंगे। और ये देखिए हमारे अमरूद का हाल कैसा हो गया, ये सूख रहा है तो अभी हम पानी डाले हैं। और ये हमारे नींबू का भी हालत अभी खस्ता हो गया है, थोड़ा सा अभी इसकी पत्ती ढीला पड़ रही है, देख लीजिए, मतलब सूख रही है धीरे धीरे। और अभी ये तो पूरा ज़मीन अभी ऐसे ही, इस पर कुछ बीजारोपण नहीं किया गया है, लेकिन अभी कुछ दिन बाद हम सोच रहे हैं कुछ इस पर पौधारोपण करेंगे। और ये देखिए हमारा आम का पेड़ 2-4 है, अभी 4 है समथिंग, इसमें 2 फल दिए थे तो अभी हम कुछ तोड़े हैं, कुछ मतलब अपने से गिर रहा है, कुछ बच्चे शैतानी करके तोड़ रहे हैं अपने ये ढेला मार के, ईंट मार के। तो ऐसा कुछ हाल है हमारे फार्म हाउस का, अभी बारिश ना होने के कारण थोड़ा सा खस्ता हो चुका है। तो ये देखिए हमारे फार्म हाउस का गेट है, अभी टेम्प्रोरी लगाया गया है, मतलब इसको गेट बनाने के लिए दिया गया है। तो इसको मतलब ऐसे हम जुगाड़ करके बिहारी स्टाइल में गेट बना दिया गया है, और चारों तरफ से बाउंड्री मतलब वायर से घेर दिया गया है ताकि सुरक्षित रहे, कोई मतलब जानवर से और आदमी से भी सुरक्षित रहे। आदमी तो जानवर ज़्यादा इस समय परेशान, मतलब परेशानी में डालते हैं। तो अभी हम 2-4 आम तोड़ेंगे और जाएंगे घर। तो 2-4 पौधे में पानी डाल दिए हैं, अब जा रहे हैं घर। आई होप हमारा एक छोटा सा मिनी फार्म ब्लॉग आप लोग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कीजिए।